देशातक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में 65,000 बच्चों को खिलाई जाएंगी कृमिनाशक दवाइयां। गोहाना के बरोदा रोड स्थित बाल भारती विद्यापीठ स्कूल में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जिला लेवल राज्य स्तरीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल के सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। इसके बाद आज से गोहाना उपमंडल स्तर पर सभी बच्चों को ये गोलियां खिलाई जाएंगी। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी की माने तो गोहाना उपमंडल में 65,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी, जिसकी आज से शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से प्रति वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों को ये गोलियां खिलाई जाती है। यह दवा 1 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को खिलाई जाती है। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने बताया कि बच्चों के पेट में कीड़े होने से बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है और कमज़ोर होने लगता है, जिससे मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह गोलियाँ खिलाई जा रही है। आज उनकी शुरुआत गोहाना के बाल भारती विद्यापीठ स्कूल से की गई है और गोहाना उपमंडल में लगभग 65,000 बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। वहीं बाल भारती विद्यापीठ की प्रिंसिपल सुमन कौशिक ने बताया कि सरकार द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और इसकी शुरुआत आज उनके स्कूल से ही की गई है। सभी बच्चों को यह गोलियाँ खिलाई गई है ताकि बच्चों को स्वास्थ्य ठीक रहे। और स्कूल में आए बच्चों को बताया उन्होंने आज जो गोलियां हैं खिलाई गई हैं, उन्हें उनके खाने से फ़ायदा होगा। हम कई बार बाहर की चीज़ें खा लेते हैं और खाना खाने के बाद जो है हाथ नहीं धोते हैं, जिससे जो है कुछ कीटाणु जो है शरीर में चले जाते हैं, जिससे पेट में कीड़े पदरते हैं। इसी को लेकर जो है यह जो सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अब देख सकते हैं जहाँ पर जो है बाकायदा बच्चों को जो है गोलियां खिलाई जा रही हैं और उसके बाद जो है बच्चों ने भी बहुत अच्छा महसूस किया है। आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक यह खबर पहुँचे कि गोहाना उपमंडल में जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोलियाँ जो है बच्चों को खिलाई जा रही हैं, जिससे जो है कृमि नाशक जो दवा है वो बच्चों को खिलाई जा रही है। और आज देख सकते हैं जहाँ पर जो है स्कूल में पहुँचे चीफ गेस्ट को स्मृति चिन्ह देते हुए स्कूल प्रांगण में ये तस्वीरें। तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम आज यहाँ पे किया है, तो उसके लिए आप सबको स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से, खासतौर पर सिविल हॉस्पिटल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है NDD नेशनल डीवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, जिसमें हम एक ही समय पे अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर्स में 1 से 19 साल तक के बच्चों को, जिसमें कि 1 से 2 साल के जो एज ग्रुप है उसको हम हाफ टैबलेट, जो कि 400 mg की एल्बिंडाजोल टैबलेट होती है, जब भी कोई साइंस से रिलेटेड बात हो सबसे पहले उसमें रीजनिंग आनी चाहिए कि क्यों, आपकी तरफ से भी, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी करते हैं, जब भी कोई साइंस से रिलेटेड चीज आए आपके सामने तो आपको क्वेश्चनिंग आनी चाहिए कि क्यों, उसमें एक रीजनिंग डेवलप होनी चाहिए क्यों। आज का जो प्रोग्राम है एल्बिंडाजोल की जो टैबलेट है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये टैबलेट हमें क्यों खिलाई जा रही है, तो उसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये 400 mg की टैबलेट होती है, हमारे शरीर में, जैसे अभी मैम ने भी डिस्कस किया, भारद्वाज सर ने डिस्कस किया, ड्यू टू अनहाइजीनिक कंडीशन, अस्वस्थता के कारण हमारे शरीर में जो है कृमि संक्रमण हो जाता है। जैसे कि हम नंगे पांव खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, कई बार खाना खाने से पहले अच्छे से हैंड वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो कृमि हैं, जिनको कि वॉर्म इन्फेस्टेशन भी कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा इस बात से अवेयर भी होंगे। तो ये
अलग अलग प्रकार के कृमि हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है, जहाँ पे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्कआउट होता है, जहाँ पे पूरी फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमारी डिपेंड करती है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो हम कुछ खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, वो ये कृमि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हमारे शरीर को नहीं पहुँचने देते उन न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से शरीर में जो है कुपोषणता, शरीर में जो है खून की कमी, जिसको अनीमिया के नाम से भी आप सब जानते हैं। तो एक छोटी सी टैबलेट आपको कितना बेनिफिट पहुंचाती है आपके स्वास्थ्य को, देनी है वो उस स्कूल से शुरू की जाए जिसका मास लेवल पर पूरे हरियाणा में मैसेज जाए। तो मेरे सामने ये एक चैलेंज था कि मैं ऐसा कौन सा स्कूल गोहाना में बताऊं कि जिसका डिसिप्लिन, जिसके संस्कार, जिसकी क्वालिटी, जिसकी क्वांटिटी भी साथ में हो, वो ऐसा कौन सा स्कूल होता है। तो मुझे ये कहने में कोई एजिटेशन नहीं है कि आज के दिन जो ये बाल भारती स्कूल है गोहाना में अपना नाम और सम्मान बनाए रखे हुए है। और डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि एक ही स्कूल है गोहाना के अंदर जिसका कि इसका सफल आयोजन हो सकता है सफलतापूर्वक, इसका एक जो हमारा लक्ष्य है उसको पाया जा सकता है। ये आप पहले बच्चों ये एक एग्जाम्पल है, आप रोल मॉडल हो, पूरे जिले के रोल मॉडल हो जो ये फंक्शन जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो जहाँ तक टैबलेट की बात है वो डॉक्टर साहब ने डिटेल में बता दी, मुझे तो यहाँ आने में बस खुशी इतनी है कि आज के युग में टुडे वी आर लिविंग इन हाईली कम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ना तो हम मॉडर्न बढ़ सकते हैं और ना ही हमें पश्चिमी सभ्यता को अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बच्चे वेल ड्रेस में हैं, वेल डिसिप्लिन में हैं और ऑब्वियसली पढ़ाई में भी अपना नाम और जो ख्याति है इस गोहाना के अंदर अपना लोहा मनवाए हुए हैं। तो मेरी तो परमपिता परमेश्वर से यही आशा है, यही एक प्रे है कि ये जो स्कूल है दिन रात उन्नति करे और सफलता को चूमे और इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वेरियस टीम में जाकर के देश का नाम रोशन करें। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्यक्रम किया गया था, बाल भारती विद्यापीठ इसके लिए वेन्यू चुना गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम थी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीओ साहब और उनके साथ गौरव जी आए हुए थे और हमारे स्कूल को वेन्यू के रूप में चुना गया। और सरकार का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बच्चों को कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया, बच्चों को इसके लिए एलवेटा जोन की टैबलेट्स खिलाई गई जो कि कृमि मुक्ति का काम करती हैं, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सब प्रोग्राम रखा गया और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो शिक्षा अच्छी ले पाएगा हर एक बच्चा और अच्छा हर एक नागरिक शिक्षित रहेगा तो देश का विकास अच्छे से होगा। स्कूल में एल्पेंडाजोल टैबलेट जो है सभी बच्चों को दी गई है, जो हमारे स्कूल में आज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जैसे CEO जो हैं उन्होंने हमारे स्कूल से इस कैंपेन को लॉन्च किया है और उन्होंने हमारे स्कूल के हर बच्चे को एल्पेंडाजोल टैबलेट खिलाई है। वो इसलिए खिलाई है क्योंकि कभी कभी बच्चों को पेट में इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उनके पेट में जर्म्स होते हैं, तो उनको उसके लिए पहले से तैयार रहने के लिए इन्होंने आज हमें एल्पेंडाजोल टैबलेट जो है वो खिलाई है। और इन्होंने हमें मतलब स्वच्छता का संदेश दिया है कि हमें अपनी सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखना चाहिए और हमें हमेशा मतलब हैंड वॉश करके लंच करना चाहिए जिससे हमारे मतलब जम्स पेट में जम्स ना हो। और मतलब कोई फ्यूचर डिसीज के बारे में बताया कि हमें अमोनिया नाम की डिसीज है जिसको क्योर करने के लिए एल्पेंडाजोल टैबलेट जो है वो खिलाई गई। पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद खाई और फिर हम बच्चों ने और हमारे सभी टीचर्स ने जो है इस टैबलेट को खाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गुड मॉर्निंग ऑल सबको, मैं तमन्ना 11th क्लास की स्टूडेंट। तो आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें क्लीननेस के बारे में अवेयरनेस करा गया था और हमें ये टैबलेट्स दी गई थी, उस टैबलेट का नाम था एल्बेंडाजोन। इस टैबलेट से हमें ये बताया गया था कि इस टैबलेट खाने से हमारे पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, मतलब हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो क्या होता है कई बार हम जब इतने यंग होते जाते हैं तो हमें टाइम की बहुत वैल्यू पता लगने लग जाती है, हमें ना इतना टाइम ही नहीं होता कि हम हैंड वॉश कर पाए। तो कुछ क्या बच्चे क्या करते हैं वो इनटेक कर लेते हैं खाना ऐसे ही बिना हैंड वॉश किए, तो उससे क्या होता है हमारे बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं, हमें हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं और हमें एल्बेंडाजोन खाने से हमें इन कीड़ों से मुक्ति मिल सकती है और हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।